हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समृद्ध करण। आज मैं मेरे चैनल में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बताने वाला हूँ जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। मैंने कहीं पर सुना था, शायद साउथ अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज द कोलैप्स ऑफ ए नेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ मेरा एक साल का एक्सपीरियंस अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 2023 में इंडिया आने से पहले मैं ओमान में पढ़ता था। ओमान में एक CBSE स्कूल था, निजवा शहर में, इंडियन स्कूल निजवा। वहाँ पे मैं 5.5 years के लिए पढ़ा। टीचर्स वहाँ पे बहुत केयरिंग थे, बहुत प्यार करते थे और बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। तो 2023 में हमारा इंडिया आने का प्लान हुआ। मातृभाषा, मातृभूमि, ये सब फ्रेजेस मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इन माय होम स्टेट ओडिशा। तो हम ओडिशा आए और मेरा एडमिशन एक स्कूल में हुआ जिसका नाम है उत्कल इंटरनेशनल स्कूल, जो बानीपदा चौद्वार में स्थित है। तो जैसा मैंने बताया, जो मेरे ऊपर मातृभाषा मातृभूमि का भूत चढ़ा था, आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा ही चढ़ गया। क्योंकि जब मैं गया मेरे स्कूल में फर्स्ट दिन के लिए, तब मुझे पता चला कि वहाँ पे ओडिया लैंग्वेज मैंडेटरी है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे ओडिया आता नहीं है, ओडिया आता था, आता है, बट द डिफरेंस इज मुझे स्क्रिप्ट नहीं आता था, क्योंकि मैंने ओडिशा या ओडिया एजुकेशन मैंने परस्यू ही नहीं किया मेरे लाइफ में, क्योंकि हम बाहर रहते थे। स्कूल में पहले दिन गया था, थोड़ा थोड़ा नर्वस था, न्यू स्कूल, न्यू एनवायरमेंट। तो फिर क्लास में बैठा, स्कूल का दिन खत्म होने वाला था, तो मैंने सोचा मेरे किसी को पूछता हूँ कि कैसे नोटबुक्स चाहिए मुझे। तो मैंने मेरे क्लासमेट को पूछा कि नोटबुक्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा उस क्लासमेट का, लेकिन मैं जब लिख रहा था, नोट डाउन कर रहा था, तो एक टीचर जूली दास, वो आके हम दोनों को पीठ पे स्टिक से उन्होंने मारा। तो जब मैंने मैम को पूछा कि आपने मारा क्यों, तो मैम ने बोला कि तुम दोनों बात करते हो और पूछते हो कि मारा क्यों। और जब मैं एक्सप्लेन करने लगा कि मैं उसे नोटबुक्स का फॉर्मेट पूछ रहा था, तो मैम कुछ सुनने को रेडी भी नहीं थी। अब दूसरे दिन की बात करता हूँ। कुछ बच्चे हमारे क्लास में बहुत शोर कर रहे थे, तो एक टीचर चिन्मयी मैम, अभी वो नहीं पढ़ाती यहाँ पे, चेंज हो गया उनका, वो आई एक लाठी लेके और जो चिल्ला रहे थे सिर्फ उन्हीं को नहीं, पूरे क्लास को उन्होंने मारा। जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना, भीड़ में भेड़, उस तरह मुझे भी मार पड़ गया। तो स्कूल जॉइन करके कुछ 19 या 20 डेज हुए थे आसपास, और स्कूल जॉइन करने से पहले मेरे कुछ क्लासेस छूट गए थे। तो मेरा ऑब्वियसली ओडिया का भी कुछ नोट्स बाकी रह गया था जो मैं लिख नहीं पाया था। टीचर ने भी मुझे कोई नोट्स नहीं भेजा, और इतने कम दिन में फ्रेंड्स भी नहीं बने थे। तो टीचर ने एक दिन कॉपी चेकिंग के लिए हमें बुलाया, और मैंने जब मैम को बोला कि मैंने कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं है और मैम आपने भी नहीं भेजा, तो उन्होंने बोला कि फ्रेंड्स बनाना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे मांगना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम तुम्हें कोई नोट्स नहीं भेजेंगे, बोल के एक दोस्त से गाल पे एक दोस्त से थप्पड़ मारा था। समथिंग अराउंड आसपास 2 महीनों के बाद एक और इंसिडेंट खड़ा हो गया। तो मैं कॉरिडोर में चल चल के वॉशरूम जा रहा था, तो मैंने एक नोटिस देखा जो कॉरिडोर के वॉल में लगा हुआ था। वहाँ पे कुछ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में लिखा गया था। तो तब मुझे पता नहीं था उसके बारे में, मीनिंग नहीं पता था। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को पूछा और उन्होंने बताया कि वो बैड टच के अंडर आता है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया गया उसके बारे में। और उसके बाद हमारे क्लास में कुछ दिनों के बाद एक और इंसिडेंट हुआ। तो एक बच्चे ने एक और बच्चे को एक गलत जगह पे जानबूझ के इंटेंशनली जोर से मारा, और फिर मैंने बोला ये बैड टच है और ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है, अगर और मैं ये मैम को बता दूंगा। तो तब तो किसी को इस टर्म के बारे में पता नहीं था, तो सब मुझे हरासमेंट बुलाने लगे। तो मैंने तब चेयरमैन सर को, हमारे जो चेयरमैन थे, उनको मैंने इसके बारे में बताया, और हमारे जो क्लास टीचर थे जूली दास, उन्होंने हमको कंसल्ट किया। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये टर्म तुमने क्यों यूज किया। तो मैंने बोला कि ऐसा हुआ था, बैड टच हुआ था, तो मैंने उसको वार्न करने के लिए बोला था, इंटेंशनली हर्ट करने के लिए नहीं बोला था। तो फिर मैम ने बोला कि तुमको इसका मीनिंग किसने बताया। मैंने बोला मेरे पेरेंट्स ने बताया है, और स्कूल के
कॉरिडोर में भी इसके बारे में एक नोटिस छापा गया है। तो मेरे पुराने स्कूल में भी सिखाया गया था गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है क्लास 4 में। तो फिर मैंने बताया मेरे टीचर्स को कि मैंने पुराने स्कूल में हमें बताया गया है, तो उन्होंने मुझे बोला इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने मुझे बोला जाके क्लास 4 में बैठो। तो मैंने पूछा मैं क्यों जाके बैठू क्लास 4 में, तो हमारे टीचर ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही बोल दिया कि क्योंकि तुम क्लास 4 की बात कर रहे हो। फिर और डिस्कशन हुआ, सारा कुछ तो बोल नहीं सकता हूँ, बहुत टाइम रहेगा। और फाइनल में जब डिस्कशन खत्म हुआ तो हमारी जो ओडिया टीचर थी मोनाली मिश्रा, जिन्होंने मुझे पहले भी थप्पड़ मारा था, उन्होंने मुझे साइको बोला। ये मारपीट का सिलसिला चलता गया, डेली किसी ना किसी बच्चे को मारा गया या फिर पनिश किया गया। हाँ, मैंने आपको पनिशमेंट के बारे में नहीं बताया, पनिशमेंट कैसे दिया जाता है। नील डाउन, चेयर बैठना और मुर्गा बना देना या फिर स्टिक से मारते हैं, वो भी एक पनिशमेंट की तरह ही है, एक पैर पे खड़ा करवा देना। पर ये जो मैंने पनिशमेंट बोला कुछ लोगों के लिए इजी दिखता होगा, पर ये जो है ये पूरे 45 मिनट्स के लिए करना होता है, द इंटायर क्लास। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना है आपको, जब कंप्लेंट्स आना ज्यादा बढ़ गए तो फिर जब पेरेंट्स भी कंप्लेन करने लगे स्कूल के बारे में स्कूल को, तो स्कूल के जो चेयरमैन थे प्रिंसिपल थे उनका एक परमानेंट सेंटेंस है जो वो हमेशा बोलते हैं पेरेंट्स को, बच्चे झूठ बोल रहे हैं उनको विश्वास मत कर, बस इतना ही बोलते हैं वो। और हमें चुप करवाने के लिए उन्होंने हमें अंडरसाइन करवाया, एक सारे बच्चों को उन्होंने अंडरसाइन करवाया, जिसको क्लास टीचर्स ने सारे क्लासेस में बोला कि ऐसे लिखो और साइन करो अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर चेयरमैन, तो सबको अंडरसाइन करना पड़ा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, तो हम स्कूल बस पे जाते थे तब, तो बीच में छोटा सा जंगल आता था, तो टीचर्स जो है बीच में गाड़ी को रुकवा के उस जंगल में से अच्छे अच्छे स्टिक्स चुन के उन्हें लेके आते थे ताकि वो बच्चों को स्कूल में मारे। एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, तो उत्कल इंटरनेशनल स्कूल वॉज अ को एजुकेशनल स्कूल, जैसे हम सब बोलते हैं वैसा। तो को एजुकेशनल स्कूल में क्या होता है, बॉयज गर्ल्स एक ही साथ पढ़ते हैं, पर उत्कल इंटरनेशनल स्कूल में बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाया जाता है, बॉयज सेपरेट पढ़ते हैं और गर्ल्स सेपरेट पढ़ते हैं, उनका कभी इंटरेक्शन होता ही नहीं। तो उत्कल इंटरनेशनल स्कूल एक्चुअली में को एजुकेशनल स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रही है, जो है बॉयज और गर्ल्स को एक साथ मिलकर पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी क्रिएट कर रहे हैं। इन सब में से सबसे सीरियस बात आपको मैं अभी बता रहा हूं कि हमारे स्कूल में बच्चों को क्लासरूम्स उसको मॉप करवाया जाता था, एक झाड़ू लेके सारे बच्चे उसको रूम को क्लीन करते थे। और उससे भी ज्यादा गंदा बात ये है कि वॉशरूम्स में जो यूरिनल्स है उसमें कभी पानी नहीं आता है, टैप्स मोस्टली जैम रहते हैं, और जो वॉशरूम मतलब टॉयलेट्स हैं उसका डोर टूटा हुआ होता है या फिर उसमें से फ्लश करने में पानी नहीं आता है और हमेशा पानी जमा हुआ होता है। तो आप बताइए मुझे, ऐसे टॉयलेट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने का कितना चांस होगा। जब इतने सारे प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहे और स्कूल ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया, देन जस्ट डोंट केयर, देन मेरे पेरेंट्स तंग आके उन्होंने सेक्रेटरी सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली को एक कंप्लेंट भेजा वाया ईमेल, और ये मेल आप पूरा पढ़ सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आराम से पढ़िए। तो हमने जो मेल दिया था सीबीएसई को उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। तो ये सब इतना सारा हैरेसमेंट देखने और सहने के बाद मेरा जितना भी मातृभूमि ओडिशा मेरा मदर टंग का जितना भी मेरा भूत था वो सारा उतर गया, और मैंने ये निश्चित किया कि मैं ओडिशा में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्कूल ऐसा है, दूसरे सारे स्कूल्स भी ऐसे ही हो सकते हैं,
छोड़ने के लिए हमने सीबीएसई ऑफिस में कंप्लेंट दिया, इंक्लूडिंग सीबीएसई ब्रांच भुवनेश्वर, और उन्होंने हमें कहा कि इन सारे के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट को बोलें, क्योंकि क्लास 8 के नीचे जितने भी स्कूल्स और बोर्ड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आते हैं। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी को एक्सप्लोटेशन को रोकने के लिए एक कंप्लेंट भेजा वाया ईमेल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद फॉलोअप करने के लिए हमने कॉल भी किया था, ना ही उन्होंने कॉल को उठाया और ना ही ईमेल के रेस्पॉन्स में कोई भी एक्शन अभी तक लिया गया है। ना ही सीबीएसई आपका बात सुनता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट आपका बात सुनता है। आपको जितना एक्सप्लॉइट होना है होते रहिए, और जितना अब्यूज होना है होते रहिए। बच्चे करें भी तो क्या करें। आई होप ये वीडियो मैसेज सीबीएसई और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तक पहुंच जाए, ताकि वो इन सारी चीजों के अगेंस्ट एक्शन ले सकें, और जितना भी स्कूल्स में अब्यूजिंग और एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं इनको रोकें और आगे से होने ना दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।